हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कुकिंग टाइम। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं नवरात्र में माता रानी को चढ़ाने के लिए नौ भोग की रेसिपी। दोस्तों, ये आप घर पर रोज बनाइए एक रेसिपी और माता जी को नौ माताओं को नौ भोग रोज चढ़ाइए। और उसके पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए ताकि हमारे नए आने वाले वीडियोज आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो दोस्तों, पहले दिन हम माता रानी को घी का भोग लगाते हैं, जिसके लिए हमने ये गाय का शुद्ध घी ले लिया है। दूसरे दिन माता रानी को चीनी और मेवे का भोग लगाया जाता है, जिसके लिए हमने ये गरी, छुहारा और मिश्री ले लिया है। इसको भी हम एक छोटे से बाउल में निकाल लेंगे। इसको हम अच्छे से मिला लेंगे। तो दोस्तों देखिए, हमारा ये दूसरा भोग भी बनकर तैयार है। तीसरे दिन माता रानी को दूध का भोग चढ़ाया जाता है, इसके लिए हम खीर बनाने जा रहे हैं। तो खीर बनाने के लिए हमने सबसे पहले एक कटोरी चावल ले लिए थे, इनको भिगा दिया था थोड़ी देर और अच्छे से धोकर अब हम प्रेशर कुकर में आज खीर बनाएंगे। देखिए दोस्तों, प्रेशर कुकर में हमने दो चम्मच घी डाल दिया है। अब इसमें हम चावल डाल देंगे। दोस्तों देखिए, चावल हमने अच्छे से भून लिए हैं। अब इसमें हम सूखे मेवे डाल देंगे। मेवे आप अपनी पसंद के ले सकते हैं। ये देखिए, हमने गरी, छुहारा और बादाम और थोड़ा सा मखाना लिया है। अब हम इसमें सिर्फ पकने के लिए एक कप पानी डालेंगे। अब हम इसमें चीनी डाल देंगे। हमने जिससे चावल लिए थे उसी कटोरी से थोड़ा सा खाली चीनी ले ली है, लगभग पौन कटोरी हमारी चीनी है। दोस्तों, आप अपने हिसाब से कम या ज्यादा मीठा बना सकते हैं। और इसमें हम ढक्कन लगा लेंगे और इसमें हम तीन से चार सीटी लगा लेंगे। तो दोस्तों देखिए, इसमें हमने चार सीटी लगा ली है। अब चलिए इसको खोल के हम चेक कर लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब इसमें हम दूध डाल देंगे। अब इसमें डेढ़ कप दूध डालेंगे। अब हम इसको अच्छे से मिला लेंगे। ये भी हमको ज्यादा गाढ़ी लग रही है, इसलिए अभी इसमें हम आधा कप दूध और डालेंगे। अब इसको हम 8 से 10 मिनट और खोलाएंगे खुला। तो दोस्तों देखिए, इसको खोलते हुए हमारा 10 मिनट हो गया है। अब खीर हमारी बनकर तैयार है, इसको एक बाउल में सर्व कर लेते हैं। तो दोस्तों देखिए, हमारी खीर बनकर तैयार है। इसमें हमने थोड़े से ऊपर से ड्राई फ्रूट डाल दिए हैं। तो दोस्तों, चौथे दिन हम माता रानी को मालपुए का भोग लगाएंगे, जिसके लिए हमने ये एक छोटी कटोरी मैदा ले लिया है। इसको हम एक बाउल में डाल लेंगे। आधी कटोरी ये रवा ले लिया उसी कटोरी से, इसको भी इसी में डाल देंगे। और ये एक कटोरी हमने दूध लिया है, इससे हम मैदे और रवा का एक गाढ़ा बैटर तैयार करेंगे। हम थोड़ा थोड़ा डालेंगे ताकि बैटर हमारा गीला ना हो। दोस्तों देखिए, हमारा बैटर तैयार है। इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी होनी चाहिए। हमारा इसमें पूरा एक कटोरी दूध लग गया है। आप चाहें, अगर आपका बैटर ज्यादा गाढ़ा दिखता है तो थोड़ा दूध और डाल सकते हैं। अब इसमें हम एक चम्मच चीनी डालेंगे। इसको भी हम अच्छे से मिला लेंगे। दोस्तों ये देखिए, बैटर हमारा बनकर पूरी तरह से तैयार है। अब इसको हम 30 मिनट रेस्ट करने के लिए रख देंगे। जब तक बैटर हमारा रेस्ट कर रहा है, तब तक हम चाशनी बना लेंगे, जिसके लिए हमने ये आधी कटोरी चीनी ले ली है।
और उसी कटोरी से एक कटोरी भर के पानी ले लिया है। अब इसको हम अच्छे से गलने देंगे। दोस्तों ये चाशनी पकाते हमें 10 मिनट हो गए हैं। अब हमारी चाशनी बनकर तैयार है, ये गाढ़ी हो चुकी है। अब इसको हम साइड भी कर देंगे और गैस पे कढ़ाई रख देंगे मालपुआ बनाने के लिए। दोस्तों देखिए कढ़ाई में हमने घी डालकर रख दिया है, अब मीडियम आंच पे इसको कर देंगे। और चलिए अपना बैटर चेक कर लेते हैं। देखिए 30 मिनट हो गए हैं, बैटर हमारा अच्छे से फूल गया है। अब इसके हम मालपुए बनाएंगे। बैटर अगर आपको ज्यादा गाढ़ा लगता है तो आप इसमें थोड़ा दूध डालकर इसको थोड़ा सा पतला और कर सकते हैं। देखिए घी हमारा गर्म हो गया है, गैस का फ्लेम लो है। अब इसमें हम एक चम्मच बैटर डालेंगे। देखिए हमारा गोल्डन ब्राउन सिक चुका है, अब इसको हम चाशनी में डाल देंगे। इसको हम 10 मिनट तक इसी तरह इसमें पड़ा रहने देंगे और बाकी के मालपुए भी हम चलिए बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो देखिए हमारे सारे मालपुए बनकर तैयार हैं, ये बहुत अच्छे से फूल गए हैं, इसमें सारी चाशनी अच्छे से अब्सॉर्ब हो गई है। अब इनको हम एक प्लेट में सर्व कर लेते हैं। देखिए हमने सारे मालपुए प्लेट में सर्व कर लिया है। तो दोस्तों पांचवा भोग केले का लगाया जाता है माता रानी को, जिसके लिए हम केले का शीरा बनाने जा रहे हैं। तो हमने कढ़ाई को गैस पे रख दिया है। अब हम सबसे पहले इसमें एक चम्मच घी डाल देंगे। देखिए हमने ये पौन कटोरी आधे से थोड़ा सा ज्यादा रवा ले लिया है, इसको हम डाल देंगे। तो दोस्तों देखिए रवा हमारा अच्छे से भुन गया है, अब इसमें हम केला डाल देंगे। ये हमने एक केला छील लिया है और इसको छोटा काट लिया, इसमें डाल देंगे। दोस्तों देखिए इसमें केला और रवा अच्छे से मिल गया है, अब इसमें हम आधा कप दूध डाल देंगे। साथ में हमने आधी कटोरी से कम चीनी ली है, उसको डाल देंगे। तो दोस्तों देखिए हमारा बनाना शीरा बनकर तैयार है, इसको हम अब बाउल में सर्व कर लेंगे। तो दोस्तों देखिए हमने इसको बाउल में सर्व कर लिया है। तो दोस्तों छठवां भोग हम माता रानी को शहद का चढ़ाते हैं। तो देखिए हमने ये शहद ले लिया है। तो दोस्तों सातवां भोग हम माता रानी को गरी का लगाते हैं। तो हम गरी की बर्फी बनाएंगे, जिसके लिए हमने सबसे पहले 50 ग्राम गरी ली है, इसको रोस्ट कर लिया है। अब उसके बाद हम चाशनी बनाएंगे, तो इसके लिए हम कढ़ाई को गैस पे रखते हैं। तो देखिए कढ़ाई हमने गैस पे रख दी है। अब सबसे पहले हम एक कटोरी चीनी डालेंगे इसमें और उसी कटोरी से आधा कटोरी पानी डालेंगे। इसी कटोरी से हमने आधा कटोरी से पानी डाल दिया है, अब इसको हम अच्छे से मिला लेंगे। देखिए चाशनी हमारी गाढ़ी हो गई है, अब इसमें हम गरी डाल देंगे। देखिए चाशनी और गरी आपस में अच्छे से मिल गए हैं, अब गैस को बंद कर देंगे। ये देखिए हमने एक प्लेट ले ली है, इसमें घी को अच्छे से स्प्रेड कर लिया है। अब हमारी जो कोकोनट वाली वो बर्फी है उसको हम इसमें जमा देंगे। तो देखिए हमने इसको अच्छे से इस प्लेट में फैला दिया है। अब इसको हम 30 मिनट के लिए फ्रिज में रख देंगे। दोस्तों देखिए 30 मिनट हो गए हैं, हमारी बर्फी जम गई थी, हमने इसको काट कर पीस में रख लिया है। तो दोस्तों माता रानी को आठवां भोग गुड़ का लगाया जाता है, जिसके लिए हम गुड़ की और मूंगफली के दाने की चिक्की बनाएंगे। तो हमने ये 50 ग्राम गुड़ ले लिया और 50 ग्राम ही हमारे ये दाने हैं। तो चलिए पहले हम गुड़ को गला लेते हैं। इसमें हम एक चम्मच घी डाल देंगे और बहुत ही धीमी आंच पे इसको हम गलाएंगे। दोस्तों इसको हम तब तक पकाएंगे जब तक ये हमारा गुड़ पानी में डालने से टूटने ना लगे। दोस्तों देखिए गुड़ अब हमारा हो गया है, इसमें हम अब मूंगफली के दाने डाल देंगे। ये हमारे मूंगफली के दाने भुने हुए हैं और भून कर हमने इनका छिलका निकाल लिया था, अब इसमें डाल देंगे हम। गैस दोस्तों हमने बंद कर दिया है, अब चलिए इसको प्लेट में हम जमा देते हैं। तो दोस्तों देखिए इसको हमने निकाल कर एक प्लेट में जमा दिया है, अब थोड़ी देर में हमारा जम जाएगा, फिर इसको हम काट लेंगे।
तो 10 मिनट हो गए हैं। देखिए चिक्की हमारी अच्छे से जम गई है, इसको हम काट लेंगे। तो देखिए हमने इसको काट लिया और देखिए कितने अच्छे से हमारा पीस कटा हुआ है। आप इसको अपने हिसाब से छोटा या बड़ा काट सकते हैं। तो दोस्तों माता रानी को नौवां भोग हम तिल का चढ़ाते हैं। तो आज हम तिल के लड्डू बनाएंगे, जिसके लिए हमने ये 50 ग्राम तिल और 50 ग्राम ही गुड़ लिया है। तो चलिए पहले तिल को हम भून लेंगे। इसको हमने अच्छे से धो लिया है और सुखा लिया है, अब इसको हम पहले भूनेंगे। देखिए तिल हमारा भुन गया है, अब इसको हम निकाल लेंगे और इसमें गुड़ को हम गलाएंगे। तो दोस्तों देखिए गुड़ हमारा तिल के लड्डू बनाने के लायक हो गया है। आप चाहें तो इसको पानी में डालकर चेक कर सकते हैं, जब ये एक पास का गोला बन जाए तो समझिए गुड़ हो गया। तो चलिए हम तिल इसमें डाल देंगे और गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। इसको हमने गैस से नीचे उतार लिया है, अब हल्का ठंडा हो जाएगा। जब ये हाथ में आ जाने लायक होगा तब इसके हम लड्डू बनाएंगे। तो देखिए इतना ठंडा हो गया है कि हाथ में हमारे आसानी से आ सकता है। इसे बहुत ठंडा में नहीं करना है और थोड़ा सा पानी हम अपने हाथ पे लगा लेंगे, तब इसके लड्डू हम बनाएंगे। आप लड्डू का शेप अपने हिसाब से छोटा या बड़ा दे सकते हैं। इस तरह दोस्तों हम बाकी के सारे लड्डू बना लेंगे। तो दोस्तों देखिए हमारे सारे लड्डू बनकर तैयार हैं। तो दोस्तों देखिए हमारे 9 भोग बनकर तैयार हैं। इनको आप घर पर जरूर बनाइए और माता रानी को हर रोज एक भोग लगाकर उनको प्रसन्न कीजिए और मनचाहा फल पाइए। थैंक यू।